कल गुजरात और हिमाचल विधानसभा के आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल नतीजों में दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के अनुमान। कल सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। गुजरात में 182, हिमाचल में 68 सीटों के आएंगे परिणाम। सूरत में ईवीएम के सीसीटीवी कैमरों से हो रही है निगरानी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा 24 घंटे हमारी नजर ईवीएम्स पर। नतीजे से एक दिन पहले अहमदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर में दिन भर रहा सन्नाटा। शाम को दिखी मामूली चहल पहल। आज देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार। बाईस साल हो गए गुजरात की भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। 22 साल में बहुत नेगेटिव फैक्टर होते हैं। देश राज्यसभा से बीजेपी के सांसद संजय कांकड़ का अनुमान, गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। हार्दिक पटेल को ईवीएम से छेड़खानी की आशंका, कहा 140 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैकिंग की तैयारी में। हार्दिक ने ट्वीट किया 5000 ईवीएम मशीन को सोर्स कोड से हैकिंग करने की तैयारी। नतीजे से एक दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा, हम 150 के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। रूपाणी ने ईवीएम को लेकर हार्दिक के आरोप को किया खारिज, कहा ईवीएम में गड़बड़ी की बात बिल्कुल गलत। क्या हार्दिक पटेल छोड़ो, देखिए कांग्रेस तो इसलिए कर रही है। दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा बकवास है एग्जिट पोल, गुजरात में हार रही है बीजेपी। गुजरात में अब परिवर्तन जनता चाहती है। मुझे विश्वास है कि 24 घंटे में जो नतीजे आएंगे उसमें एक परिवर्तन आप देखोगे। सुधेंद्र कुलकर्णी ने की राहुल की जमकर तारीफ, कहा वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। सुधेंद्र कुलकर्णी ने किया ट्वीट, भारत को राहुल जैसे नेता की जरूरत। कुलकर्णी ने कहा भारत में एक नए नेता का हुआ उदय, सुसंस्कृत और सुसंस्कारी हैं राहुल। हिमाचल में काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी, ईवीएम्स की कड़ी सुरक्षा में हो रही है निगरानी। वीरभद्र ने कहा बीजेपी को दिन में सपना देखने से कोई नहीं रोक रहा, उन्हें जीत का सपना देखने दीजिए। वीरभद्र का बयान, 5 साल में हिमाचल में बहुत विकास हुआ, कांग्रेस ने हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। कर्नाटक में बीजेपी की परिवर्तन रैली का समापन, गृहमंत्री राजनाथ समेत दिग्गज मौजूद। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने राहुल पर कसा तंज, कहा वो बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक। समझता हूं कि हम तो उनको बधाई देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक हमारे को ये तो राहुल गांधी जी। वसुंधरा के मंत्री ने कहा राहुल के सपनों को पूरा करेंगे, कांग्रेस को समाप्त करके रहेंगे। चेन्नई में आर्गनगर सीट पर हो रहे उपचुनाव में नोट का खेल, डीएम के कार्यकर्ता पर बिरयानी के पैकेट में पैसे बांटने का आरोप। गुजरात हिमाचल नतीजे से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, पंजाब में अमृतसर समेत तीनों निगमों में जीत। केरल में सीपीएम के पोस्टर पर दिखा उत्तर कोरिया का तानाशाह किमून, पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की मानी गलती। किम के पोस्टर पर बीजेपी ने घेरा, संबित पात्रा ने कहा यह लेफ्ट की मानसिकता। कल पीएम केरल और लक्षद्वीप का करेंगे दौरा, ओखी तूफान पीड़ितों से मिलेंगे। वासान के सीकर में वसुंधरा के जन संवाद कार्यक्रम में छात्रों का हंगामा, पुलिस ने लाठियां चलाई। फतेहपुर में कॉलेज की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। दिल्ली में स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों का मनीष सिसोदिया के घर प्रदर्शन, थाली पीट कर विरोध। अभिभावकों ने स्कूलों पर मनमानी का लगाया आरोप, कहा केजरीवाल सरकार नकेल कसने में नाकाम। गुवाहाटी में खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान। में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे डीटीसी के कर्मचारी, हड़ताल पर जाने की धमकी। नाराज कर्मचारियों ने केजरीवाल सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 5 फरवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में तृणमूल ने बीजेपी के खिलाफ निकाली रैली, भारी तादाद में जुटे समर्थक। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट नहीं मिलने से नाराज लोगों ने किया हंगामा, बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात। फ्लैट मालिकों ने पटेल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के बाहर जमकर किया प्रदर्शन, बिल्डर पर 5 साल बाद भी घर नहीं देने का गंभीर आरोप। मुशर्रफ ने कहा, हम इस्लामाबाद की सुरक्षा के लिए लश्कर और जमात के साथ गठबंधन के लिए तैयार। SI की भारतीय सेना के अफसरों को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश, हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश नाकाम। 3 भारतीय अफसरों से खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए ISI ने चली थी चाल, तीनों अधिकारियों से हो रही है इस वक्त पूछताछ। यूपी में एक बार फिर से विदेशी नागरिक से लूटपाट, वाराणसी के 80 घाट पर अर्जेंटीना की महिला को लूट लिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गरीब आदिवासियों के सम्मान पर चोट, घरों के बाहर लिख दिया मेरा परिवार गरीब है। साजिश में शामिल लोगों का पता नहीं चला, DM ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन में संतुलन खोकर सड़क पर पलटी स्कूल बस, 30 बच्चे घायल। भोपाल के मुखर्जी नगर में कड़पा मार्केट में आग, 7 दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शर्मसार करने वाली वारदात, स्कूल बस में 5वीं क्लास की बच्ची से छेड़छाड़। 11वीं कक्षा में पढ़ता है आरोपी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को रिमांड होम भेजा। यूपी के हाथरस में आग में जलकर दुकानें जलकर खाक, कारोबारियों को लाखों का नुकसान। पुणे में एक शख्स पर 6 युवकों ने 20 सड़क पर कर दिया हमला, पूरी वारदात CCTV में कैद। असम के चिरांग में NDFB के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में पुलिस का छापा, हथियार बरामद। पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया, हड़कंप पूरे इलाके में मचा। नालंदा में मनचले की भीड़ ने जमकर पिटाई की, चेहरे पर काली पोत कर घुमाया। बिहार के छपरा में युवक को बदमाशों ने गोली मारी, एक आरोपी की जमकर पिटाई। मुजफ्फरपुर में 2 अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग, 8 गाड़ियों ने मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के गुमला में प्रेस प्रेम प्रसंग को लेकर खूनी खेल, माता पिता समेत युवकी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या। प्रेमी ने गिरफ्तारी के बाद थाने से भागकर कुएं में लगाकर कर लिया आत्महत्या, परिजनों ने लड़की और उसके परिवार से लिया मौत का बदला। जम्मू कश्मीर के नौगांव में हिमस्खलन में शहीद जवान कौशल सिंह को सेना ने दी श्रद्धांजलि, कल बरामद हुआ था शव। गुरेज नौगांव में हिमस्खलन में लापता बागी 4 जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं, घर में मातम। विशाखापट्टनम में तीसरे और अंतिम वनडे में बजा टीम इंडिया का डंका, श्रीलंका को हराकर सीरीज जीती। श्रीलंका ने रखा था 216 का लक्ष्य, भारत ने 18 ओवर 8 गेंद रहते जीत लिया मैच। शिखर धवन ने तूफानी पारी खेली, 85 गेंदों पर 100 नाबाद रन बनाए। श्रेयस ने लगातार दूसरे वनडे में जमाया अर्धशतक, 65 रन बनाए। कार्तिक 26 रन बनाकर नाबाद, मोहाली में दोहरा शतक लगाने वाले रोहित 7 रन ही बना सके। कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच, 42 रन देकर 3 विकेट लिए। गेल ने भी 3 विकेट झटके, हार्दिक पंड्या को 2, बुमराह और भुवनेश्वर को 1-1 विकेट। शिखर को बेहतरीन बल्लेबाजी का इनाम, मैन ऑफ द मैच। सरंगा ने बनाया सबसे ज्यादा 95 रन, समर वक्रा ने खेली 42 रनों की पारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।